हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इन्वर्स की प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स की प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है 10 इनवर्स x-1 अपॉन x-2 प्लस 10 इनवर्स x+1 अपॉन x+2 = π/4। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको इसको 10 x+10 y = x + y तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें जो दिया हुआ है x-1 अपॉन x-2, इस पूरे को x मान लेना है और इसे x-1 अपॉन x+2 को y। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, इस पूरे को x मान के, x और y मान के ना पूरे को ये फॉर्मूला लगा देना है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर पूरा है ये x-1 अपॉन x-2 और प्लस y की जगह पर ये पूरा जो दिया हुआ है x+1 अपॉन x+2 अपॉन 1 माइनस x y होता है, तो उसकी जगह पर x-1 अपॉन x-2 × y की जगह पर y+x+1 अपॉन x+2। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। अब जो दिया हुआ है, जो आ गया है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 इनवर्स, इसमें जो ऊपर अलग अलग दिए हुए हैं इनका एलसीएम अलग अलग है, तो इन्हें एलसीएम बराबर करने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आपस में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम सेम हो जाएगा और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो नीचे पहले मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x-1 x+1, तो x²-2² ऊपर इसकी मल्टीप्लाई होगी x-1 × x+2, मैं अलग अलग लिख देता हूँ अभी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, प्लस x+1 और x-2 उधर मल्टीप्लाई होना, और अपॉन में तो वो लिख ही दिया है x²-2², क्योंकि a²-b² वाला फॉर्मूला a+b - b होता है, वहाँ से लगा दिया। नीचे x-2 का तो हो ही जाएगा पूरा, तो पूरे की मल्टीप्लाई 1 की जगह पे हो जाएगी, -x-1 x+1 की मल्टीप्लाई दी हुई है x²-1² अपॉन में x²-2², ये पूरा ऐसी मल्टीप्लाई हुई है इसकी 1 से, तो ये आ गया है। अभी हम देख सकते हैं इसमें कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों अपॉन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वालों को दोनों को ऊपर जो है उनकी मल्टीप्लाई होगी। पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, पहले x+2 की x-1 से करना है तो पहले x की करेंगे x-1 से, x²-x + 2x-2 प्लस ये आ गया बीच वाला। अब x-2 x-1 की करेंगे x-2 की करेंगे x+1 से, तो क्या हो जाएगा -2x-2 अपॉन में, वो तो कट गया, ये बचा है x²-2² लिख देता हूँ मैं, माइनस अब इसे x² हो जाएगा, -+ हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस दिया हुआ है ब्रैकेट के, तो x² + का था तो माइनस का हो गया और -1 - का था तो प्लस का हो गया। अब क्या करना है इसमें, ये x से x कैंसिल हो गया +- 2x से 2x हो गया, अब बचा क्या, जो बचा है वो लिख लेंगे बाकी का, सॉरी ये गलती से लगा दिया मैंने, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इसमें ऊपर दिया हुआ है π/4, तो π/4 लेके चलना है साथ में, वो गलती हो गई थी, π/4 लेके चलना है, π/4 यहाँ भी आएगा, हाँ π/4 आएगा यहाँ पर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x²-4 और अपॉन में x²-x² कैंसिल हो जाएगा प्लस से माइनस से, और -3 आ जाएगा, -4 + 1 - 3 = 10 इधर आ जाएगा, इन्वर्स है तो इधर 10π/4 हो जाएगा, 10π/4 की वैल्यू 1 होती है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई करते हैं -3 की, वो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, -3 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 हो जाएगा, और इसे आगे सॉल्व करेंगे, -4 जाके प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x²=1/2 और x=1/√2 ये हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।